असम की राजधानी गुवाहाटी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य महाराष्ट्र की राजनीति का अखाड़ा बन गया है। शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में बैठे हुए हैं। इसके अलावा असम में भयंकर बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। जो तस्वीरें असम बाढ़ की आ रही हैं, वो परेशान करने वाली है। पिछले हफ्ते से यहाँ बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहाँ के लोगों की घर गृहस्थी सब उजड़ गई है, लेकिन देश के उसी हिस्से में 5 सितारा होटल में नेता मौजूद हैं। और अगर आपको हम इस होटल के खर्चे के बारे में बताएं तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। सोशल मीडिया पर रेडिसन ब्लू ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रुके विधायकों के एक रात का खर्चा 8 लाख रुपए है। लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर इन पैसों का कुछ हिस्सा बाढ़ पीड़ितों के लिए खर्च कर दिया जाए तो उनकी जिंदगी में कुछ खुशियां आ जाएंगी। होटल और स्थानीय नेताओं के सूत्रों के अनुसार गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के कमरों के लिए 7 दिनों का टैरिफ 56 लाख का है। इसमें खाना और कई सारी और भी सुविधाएं हैं, जिसमें से एक दिन का खर्च लगभग 8 लाख रुपए है। इस होटल में 196 कमरे हैं। विधायकों और उनकी टीमों के लिए बुक किए गए 70 कमरों के अलावा प्रबंधन नई बुकिंग स्वीकार नहीं कर रहा है। होटल में अब बस वही लोग आ पा रहे हैं जिनकी बुकिंग पहले से थी। इसके अलावा बैंक्वेट बंद कर दिया गया है। गुवाहाटी का एक 5-स्टार होटल इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय है। इस होटल में शिवसेना के बाकी विधायक रुके हुए हैं। खबरों की माने तो इन विधायकों के लिए इस होटल में कुल 70 कमरे बुक किए गए हैं। पता चला है कि फिलहाल कमरे 7 दिन के लिए बुक किए गए हैं, जिन पर कुल खर्च 1.12 करोड़ रुपए के करीब है। लोग जमकर नेताओं को इस बात के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। बोले भारत नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि रेडिसन ब्लू होटल में रुकने वाले विधायक हर रोज 8 लाख रुपए का खाना खा रहे हैं। वहीं असम के लोगों को बाढ़ राहत कोष के नाम पर 2 कप चावल और 1 कप दाल बांटा जा रहा है। एक और यूजर ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें कुछ बच्चे अपने पिता से लिपटे हुए हैं। पिता आधा पानी में डूबा है। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा हुआ है कि सरकार को जल्द से जल्द इन लोगों को रेडिसन होटल में शिफ्ट कराना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।